हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँ कि अगर आप मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ कि अगर आप उसे लगातार 3 दिन यूज़ कर लेते हो तो आपको अपने स्किन में जो रिज़ल्ट हैं दिखने शुरू हो जाएंगे एंड आपको ट्रस्ट हो जाएगा उन होम रेमेडीज़ में। क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं कि जो घरेलू उपचार या जो घरेलू नुस्खे होते हैं स्किन की तमाम समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, वो उतना अच्छा वर्क नहीं करते। लेकिन एक बार इसका यूज़ ज़रूर करिए, उसके बाद अपनी जो थिंकिंग है उसे उसके बाद सिक्योर करें। तो मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि इतनी पावरफुल है, अगर आप इसे एक बार यूज़ करते हैं तो आपकी, अगर आपको समय से पहले रिंकल्स, फाइन लाइंस आपकी स्किन अपीयर होने लगी हैं या फिर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं या फिर एक ग्लो मिसिंग है, जो किसी को देख के हम सोचते हैं कि हमारी स्किन भी काश इतनी ग्लोइंग होती, तो वो जो ग्लो है आपको मिलने वाला है। हाँ, मैं आज बात करने वाली हूँ बनाना पील यानी कि केले के छिलके से जो रेमेडी मैं बनाने वाली हूँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग केले के छिलकों को फेंक देते हैं। केले के छिलके में हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन सी होते हैं। इसके अलावा पोटाशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो कि हमारी स्किन एंड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अब तो दोस्तों इसके अलावा हम इसमें ऐड करने वाले हैं अनदर मैजिकल इन्ग्रीडियंट। जी हाँ, फ्लैक्स सीड एंड चावल यानी कि राइस। चावल यानी क्योंकि जैपनीज एंड कोरियन लोगों का सीक्रेट है, क्योंकि उनकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग होती है। अपनी स्किन केयर में वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक में या ऐसे भी अपनी डेली स्किन केयर में चावल का यूज़ करते हैं, क्योंकि चावल में होती है एंटी एजिंग एंड बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन, जिससे कि आपकी स्किन में रिंकल फाइन लाइंस को रिमूव करने के, दाग धब्बों को कम करके आपकी स्किन को टाइटन करता है, वाइटन करता है। एंड इसके अलावा फ्लैक्स सीड, तो इसके बारे में अगर आपको इन चीज़ों में बिलीव ना हो तो आप इन चीज़ों के बारे में एक बार सर्च कर सकते हैं, उसके बाद ही अपनी किसी स्किन के लिए किसी चीज़ का यूज़ करें। एंड फ्लैक्स सीड में ऑफकोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड बहुत अच्छे मिनरल्स, एंड ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, मतलब कि मॉइस्चराइजिंग कंटेंट को आपकी स्किन में लॉक कर देता है। तो चलिए दोस्तों हम बना लेते हैं अपनी रेमेडी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक केले का छिलका ले लेना है एंड उसे अच्छे तरीके से कट कर लेना है पीसेस में। एंड उसके बाद हमें किसी बाउल में या फिर किसी सॉस पैन में ऐड करना है केले के छिलके को। एंड दोस्तों उसके साथ हमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज एंड 1 से 1.5 चम्मच चावल के लेने हैं। इसे एक सॉस पैन में डालना है, उसमें 1 गिलास पानी डालें, इसे अच्छे से बॉईल करें कम से 5 से 7 मिनट। उसके बाद इसे किसी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लें, एक फ़ाइन पेस्ट बना लें। उसके बाद इसे किसी बाउल में निकाल के इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इसमें ऐड करें 1 से 1.5 चम्मच दूध का एंड 1 विटामिन ई कैप्सूल, उसके अलावा शहद का। एंड इसमें दोस्तों थोड़ा सा हमें कॉर्न स्टार्च भी मिलाना है। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा प्रिपेयर है। इस जो मास्क को हमें 3 दिन लगातार यूज़ करना है, इसे आपको फ्रिज में स्टोर करना है, तो ही आप इसे 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, रात में यूज़ करना है। एंड प्रिपेयर है हमारा मैजिकल फेस मास्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं किसी भी प्रकार का स्किन प्रॉब्लम है तो इसे क्योर करेगा। इसके अलावा चले मैं इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले अपने फेस को किसी क्लेंजर से क्लीन करना है, उसके बाद आपको इस मास्क को अपने पूरे ऑल ओवर फेस में अप्लाई करना है। 15 से 20 मिनट इसे रहने दें। उसके बाद जब यह सूख जाए तो इसे हमें पहले किसी स्पून से रिमूव करना है। अगर आप नॉर्मल पानी से डायरेक्ट रिमूव करेंगे तो काफ़ी मैसी हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें अपना चेहरा अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो विजिबल रिज़ल्ट आपको फर्स्ट यूज़ के बाद अपनी स्किन में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। एंड लेकिन अगर आप सोचो फर्स्ट यूज़ के बाद मैजिक हो जाए एंड आपकी स्किन का जो भी टेक्सचर एकदम से बदल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे ग्रेजुअली थोड़े समय के लिए यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपके स्किन में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करने वाला है। आपकी स्किन से रिंकल्स को ख़त्म करेगा धीरे धीरे। उसके अलावा आपकी स्किन को टाइटन करेगी
अगर आपकी स्किन का जो भी शेड हो उसे एक से दो टोन तक लाइटन करेगा। इसके अलावा दोस्तों इस जो ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप इसे थोड़ा सा लॉन्ग समय के लिए यूज़ करते हो, हफ्ते में 3 बार, तो ये आपकी स्किन से दाग धब्बों को ख़त्म करेगी एंड एक जो ग्लो होता है हमारी स्किन में दिखने लगेगा। आपकी स्किन का टोन कोई भी हो, डस्की हो, फेयर हो या सांवला हो, हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो वो आपको ये रेमेडी अगर आप करते हो तो डेफिनेटली मिलने वाली है। इसके अलावा इस रेमेडी को किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, बच्चे इसे ना करें। इसके अलावा आल स्किन टाइप वाले कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले या जिनको कोई स्किन डिजीज़ है, पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, एंड मेल एंड फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं रेमेडी को। दोस्तों हो सके रात में करें। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन, टेक केयर।